हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीएम। दोस्तों, विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और विंटर सीजन में सूप बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे हॉट एंड सोर सूप, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। लगभग मैं एक चम्मच ऑयल का डालूंगी और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और साथ में ही हम यहाँ डालेंगे अदरक। अदरक थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको हम एक मिनट के लिए थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे वेजिस। वेजिस में मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और बीन्स ये डाले हैं, और इनको हम एक मिनट के लिए इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा सॉटे कर लेंगे। आप इसमें मशरूम डाल सकते हैं, इसको इस तरीके से हम हल्का सा सॉटे रखेंगे ताकि इसका क्रंचीनेस ख़त्म ना हो। हम इसमें डालेंगे पानी, लगभग मैंने यहाँ पर 3 कप पानी डाला है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चिली सॉस, इससे स्पाइस अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हम यहाँ थोड़ा सा डालेंगे स्प्रिंग अनियन, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि बाद में हम गार्निश में भी डालेंगे इसे। और इन सबको अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे और हम इसको अब थोड़ा बॉयल करेंगे, इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। सोया सॉस अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो वेजिटेबल्स में सोया सॉस का कलर आ जाएगा। सोया सॉस हम बाद में ही डालेंगे, उससे उसका फ्लेवर भी अच्छा रहेगा और कलर भी इसका बहुत सुंदर आएगा। यहाँ हम डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, थोड़ी सी चीनी, इससे फ्लेवर एडजस्ट होगा। इसमें बॉयल आ गया है और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। यहाँ मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में पानी मिक्स करके उसको इस तरीके से बना दिया है, और अब हम धीरे धीरे करके इसको डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके और हिलाते रहेंगे, इससे इसकी थिकनेस आ जाएगी। और इस तरीके से करके हम इसको लगातार हम यहाँ पर चलाते रहेंगे। हल्की हल्की थिकनेस इसकी आ गई है, ज़्यादा हम थिकनेस नहीं करेंगे इसमें। और अब हम यहाँ डालेंगे सोया सॉस, लगभग 1 चम्मच, और साथ में अब हम यहाँ डालेंगे नमक। नमक हम इतना डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और रेड चिली सॉस में भी नमक होता है, तो नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उतना ही डालेंगे। यहाँ मैंने 1/4 स्पून ही नमक डाला है। और अब हम यहाँ डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको बस हम 10 सेकंड के लिए इसी तरीके से थोड़ा सा और चला लेंगे। ये हमारा सूप बनकर रेडी हो गया है, अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे गरम गरम हम सर्व करेंगे। ये हमारा सूप बनकर रेडी हो गया है, इस तरीके से आप इसे गरम गरम सर्व करें। सर्दियों में ये बनाएं, बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। इतना अच्छा है, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बना है, घर में बना है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही यमी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।